नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अस्तर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमआई कंपनी का होम सिक्योरिटी कैमरा। ये जो होम सिक्योरिटी कैमरा है ये आपका 360 डिग्री मूव होता है और इसमें आपको 1080p मतलब हाई डेफिनेशन व्यू मिल रहा है। और इसका अलावा भी इसमें आपको मोशन डिटेक्शन अलर्ट और आपका नाइट विजन और आपका टॉक बैक फीचर्स भी मिल रहा है। बॉक्स देखने में ऐसा है, पीछे में लिखा हुआ है एमआई होम सिक्योरिटी कैमरा 360 डिग्री 1080p। इस तरफ प्रोडक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, इस तरफ भी एमआई होम लिखा हुआ है। दोनों तरफ सील है, नीचे की तरफ भी एक सील है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। सील ऐसे खोल देता हूँ। दोनों तरफ सील काट दिया। खोलने पर सबसे पहले आपको एक मैनुअल मिल जाएगा जिसमें कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद एक आपको बॉक्स मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर में आपको एक चार्जर मिल जाएगा, एक वॉल माउंट और सीलिंग माउंट के लिए प्लेट दिया गया है और एक माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है। यह है मेन यूनिट एमआई 360 डिग्री 1080p सिक्योरिटी कैमरा। चार्जर जो है 5V 2A चार्जर है, जो मोबाइल में आता है सेम वही चार्जर है। ये प्लास्टिक पूरा सील है, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। पीछे की तरफ स्पीकर और माइक्रोफोन वगैरह दिया गया है जिससे इसका एप्स के थ्रू मैं इसमें कॉल कर सकता हूँ, टॉकबैक फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे एक रीसेट बटन दिया गया है और नीचे की तरफ वॉल माउंट इसमें लगाने के लिए दिया है और इसमें मेमोरी कार्ड लगाने के लिए आपको नीचे में यहाँ पे एक मेमोरी लगाने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है 64GB तक लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें 128GB लगा सकते हैं, इसमें आराम से सपोर्ट करता है। मेमोरी कार्ड मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ये है सैनडिस्क का एक्सट्रीम। सबसे पहले मेमोरी कार्ड को आप लगा के रखिए क्योंकि रनिंग कंडीशन में इसमें पावर ऑन होने के बाद मेमोरी कार्ड को मत लगाइए। तो मेमोरी कार्ड इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ। मेमोरी कार्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। माइक्रो यूएसबी केबल काफ़ी लंबा दिया है, ये 2 मीटर का लेंथ है इसमें। चलिए मैं इसका इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। इसमें पावर देने के लिए एक एडाप्टर दिया गया है जो 5V 2A का है। आप चाहे तो इसमें बैटरी बैंक से भी पावर दे सकते हैं। मैं ये बैटरी बैंक से इसको पावर दूंगा और चार्जर से इस बैटरी बैंक को कनेक्ट करूंगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी फेल होने पे आपका जो फुटेज है वो मिस ना हो। कनेक्ट करते ही इसमें एक ऑरेंज कलर का LED ग्लो करने लगा है और ये जो कैमरा है पावर मिलने पे ये सेल्फ टेस्ट हो रहा है। अभी मैं कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में इसका जो एप्लीकेशन है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा, वो आपको गूगल ऐप्स में मिल जाएगा एमआई होम के नाम से। ये है एमआई होम एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने पे ये सबसे पहले एग्री एंड कंटिन्यू बोल रहा है, तो एग्री एंड कंटिन्यू में उसके बाद यहाँ पे मुझे कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया रिकमेंडेड दिया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऐड करने पे ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है एमआई आईडी से मैं साइन इन कर रहा हूँ और कैमरा बोल रहा है मुझे वेटिंग फॉर कनेक्शन। एमआई अकाउंट में मेरा लॉगिन हो गया, अभी मैं इसमें ऐड डिवाइस करूँगा। ऐड डिवाइस करने पे कुछ मुझे टर्न ऑन करना पड़ेगा ऑटो स्कैन के लिए और उसके बाद मुझे ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ भी ऑन हो गया और स्कैन भी हो चुका है। अभी गो टू सेटिंग में चला जाता हूँ। गो टू सेटिंग में जाके मुझे ऑटो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। तो इसको बैक कर देता हूँ, तो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने पे आएगा अभी वेट अंटिल यू हेयर बाई वॉइस प्रॉम्प्ट। तो जब तक मुझे वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें नेक्स्ट वेट करने के लिए बोला है। उसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा एक राउटर का साथ जिसमें मैं इस फ़ोन को कनेक्ट करके रखा हूँ। अगर कनेक्शन होने पे देर हो रहा है तो आप इसको कैमरा के पीछे से रीसेट बटन को दबा के इसको रीसेट कर लीजिए। 10 सेकंड तक उसको दबा के रखिए, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। देखिए रीसेट होने पे ये फिर से अपना रीसेट होने पे ये सेल्फ टेस्ट लेगा और फिर से स्कैन करना स्टार्ट कर देगा।
चलिए ऐप्स को मैंने ओपन कर दिया, अभी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ऐड डिवाइस। ऐड डिवाइस में नियर बाय मैंने दे दिया, तो इसमें मुझे अभी मुझे नियर बाय मिल गया, तो इसका साथ मुझे अभी कनेक्शन करना है। तो एक कनेक्ट टू अनदर राउटर बोल रहा है, तो मैं एक राउटर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अनदर राउटर में मुझे वाईफाई का सिग्नल मिल गया, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और कनेक्ट करने पे मुझे वाईफाई का पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इस पर जाकर पासवर्ड जो है मैं अपना इसमें डाल दूँगा। तो वाईफाई का पासवर्ड मैंने दे दिया, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने पर उसका बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने पर मुझे एक QR कोड मिल जाएगा, QR कोड को कैमरा के सामने मुझे स्कैन कराना पड़ेगा, तो मैं इसको स्कैन करा देता हूँ। QR कोड स्कैन हो गया सक्सेसफुली, नेक्स्ट कर देता हूँ। डिवाइस एडिट हो गया, चलिए अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ। यूज़ नाउ, आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है उसमें जाके आप अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी कैमरा है और 128GB मैंने इसमें लगाया है। 128GB इसमें सपोर्ट करता है, और 128GB लगाने से क्या होता है, आपका 15 डेज का कवरेज हो जाता है। 15 डेज के बाद जो लास्ट वीडियो रिलीज होता जाएगा और नया वीडियो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने जिसने मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।